हाय एवरीवन, सचिन जांगड़ा दिस साइड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फाइनली एनएमसी हैज सेड समथिंग फॉर एफएमजीज। फाइनली एनएमसी की तरफ से एक अपडेट आया है फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। एनएमसी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको सबसे लेटेस्ट जो फाइल मिलेगी वो मिलेगी रिलैक्सेशन ऑफ एफएमजीज के नाम से। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो। तो ये जो अपडेट आई है ये आई है सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और किन्हीं भी ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये अपडेट नहीं है। ओनली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से या कोविड सिचुएशन की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ के वापस इंडिया आ गए थे। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि एनएमसी ने क्या बोला है इन स्टूडेंट्स के लिए। तो इन पर्सुएंस टू ऑर्डर डेटेड 29 अप्रैल 2022 पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज इन्फॉर्म दैट इंडियन स्टूडेंट्स हु वर इन लास्ट ईयर ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट मेडिसिन कोर्स, यानी कि एमबीबीएस, जो बच्चे अपनी एमबीबीएस के लास्ट ईयर में थे एंड ड्यू टू COVID-19 रशिया यूक्रेन वॉर एटसेट्रा हैड टू लीव देयर फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिटर्न टू इंडिया। इन सिचुएशन की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, अपना इंस्टीट्यूट छोड़ के वापिस इंडिया आना पड़ा। And have been subsequently completed their studies as also have been granted certificate of completion of course degree by their respective institute on or before 30th June 2022. उन्होंने आने के बाद ऑनलाइन अपनी क्लासेस करी एंड उनके इंस्टीट्यूट ने, यूनिवर्सिटी ने उन लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया, उनकी डिग्री भी उन लोगों को दे दी। 30 जून तक या 30 जून से पहले उनको ये डिग्री मिल चुकी। शेल बी परमिटेड टू अपियर इन एफएमजी एग्जाम, मतलब इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट परमिशन देता है एफएमजी एग्जाम में अपियर होने की। देयर आफ्टर अपॉन क्वालिफाइंग एफएमजी एग्जामिनेशन, एफएमजी एग्जामिनेशन पास करने के बाद सच फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो CRMI कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप for a period of 2 years to make up for clinical training which could not be physically attended by them during the UG medicine course in foreign institute। मतलब उन स्टूडेंट्स को पहले एफएमजी एग्जाम पास करना है, उसके बाद 2 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप है जो उन स्टूडेंट्स को करनी है। मतलब ये लेटेस्ट अपडेट है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उन्हें पहले एफएमजी एग्जाम देना है, उसके लिए उनको परमिशन मिल गई है, एंड उसके बाद अगर वो पास करते हैं उस एग्जाम को तो उन्हें 2 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी है। एंड द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स विल बी एलिजिबल टू गेट रजिस्ट्रेशन ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग दी CRMI फॉर 2 years। आपको रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब आप 2 साल की ये कंपलसरी इंटर्नशिप पूरी करोगे। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट ओनली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। एंड नीचे लिखी हुई है सबसे लास्ट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आप लोगों को समझनी है। द अबव रिलैक्सेशन ग्रांटेड टू फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स इज अ वन टाइम मेजर। आपको कोई मिसगाइड ना करे, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, इसलिए मैं इस लाइन को थोड़ा सा जोर से पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा फोर्सली इस लाइन को पढ़ रहा हूँ कि ये सिर्फ वन टाइम मेजर है, ये हर बार नहीं होगा, ये सिर्फ इस बार का सीन है। अगर आपको याद हो जैसे नीट स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए वन टाइम नीट एग्जेम्पशन मिला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वैसे ही यहां भी ये चीज लिखी हुई है कि इट्स जस्ट अ वन टाइम मेजर एंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रेसिडेंस इन द फ्यूचर। आप इसे फ्यूचर के लिए नहीं मान सकते कि फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई हो। सो दैट्स इट फॉर दिस अपडेट। इस अपडेट में आप लोगों को यही सब बताना था, आई होप कि आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। एनएमसी ने तो इस नाम से लिखा है कि रिलैक्सेशन फॉर एफएमजीज। अब आप डिसाइड करोगे कि ये अपडेट कितनी सही है कितनी नहीं है, बिकॉज 2 साल इंटर्नशिप इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, राइट। तो खत्म करते हैं वीडियो को, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा एंड कमेंट करके बताना कि आपकी क्या ओपिनियन है इस एनएमसी की अपडेट के बारे में। एंड उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए भी एनएमसी कुछ ना कुछ जरूर अपडेट लेके आएगा, क्योंकि एक छोटी सी होप मेरे को दिख रही है कि एनएमसी ने कुछ फाइनली बोला है फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, राइट। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप लोग अपना, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।